कुल्लू जिला भाजपा की दो दिवसीय बैठक कुल्लू में आयोजित की गई, जिसमें जिला भर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के पहले दिन भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों को सभी पदाधिकारियों के साथ साझा किया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ रणनीति भी तैयार की। कुल्लू जिला में भाजपा की दो दिवसीय बैठक जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा की अध्यक्षता में परिधि गृह में आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनावों में प्रदेश के कार्यक्रमों के मुताबिक 6 माह के लिए निर्धारित किए गए कार्यों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाने और लोकसभा चुनावों के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के द्वारा दिए गए विषयों के दिशा निर्देश पर पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की गई है और आगामी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ डटी रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले परीक्षा की घड़ी में संगठन पूरी ताकत झोंकेगा और अच्छे परिणाम के साथ एक बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी। रणनीति है जो 2019 को लेके और आगामी जो भविष्य में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूरी रूपरेखा बनाई गई और जो प्रदेश कार्य समिति में जो हमें जो विषय दिए हैं जिला को, और एक हफ्ते के अंदर प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला की कार्य समिति होनी निश्चित होती है और साथ में एक हफ्ते के अंदर ही सभी मंडलों में, चारों मंडलों में मंडलों की कार्य समितियाँ सम्पन्न होगी। उसकी डेटें भी लगभग मंडलों ने तय कर दी है और मंडलाध्यक्ष और मंडल के महामंत्री कल और आज मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री आज पदाधिकारियों की बैठक में थे और कल जैसे सारी डेटें तय होकर के आ जाएगी। सभी मंडलों में जो है कार्य समितियाँ संपन्न होगी और जिला कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी का जो सुदृढ़ संगठन है वो प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशक्त और पूरी तरह से 2019 के चुनाव के लिए ये तैयार है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।